प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वर्चुअल माध्यम से नव निर्मित रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। जल्द ही रीवा से उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। रीवा प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल सहित सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। लोकार्पण समारोह रीवा एयरपोर्ट परिसर में आयोजित किया जा रहा है। लोकार्पण की तैयारियां अंतिम चरण में है। रीवा संभाग के कमिश्नर B.S. जामोद और IG MS सिकरवार ने लोकार्पण स्थल का भ्रमण कर मंच, पंडाल, सजावट, आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल एवं पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री बनारस से वर्चुअल माध्यम से एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर ही मुख्यमंत्री रीवा एवं शहडोल संभाग के उद्यमियों से 23 अक्टूबर को दोपहर 1 से 2 बजे तक रीवा में आयोजित होने वाले रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के संबंध में चर्चा करेंगे। कमिश्नर ने इस व्यवस्था की तैयारियों का अवलोकन भी किया तथा सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर रामजी अवस्थी, भाजपा अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह, नगर निगम कमिश्नर डॉ. सौरभ सोनवणे, एडिशनल SP विवेक लाल सहित वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। लोकार्पण को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जुड़ने वाले हैं, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, क्या तैयारियां हैं? 20 तारीख का जो अपना कार्यक्रम है रीवा एयरपोर्ट के उद्घाटन का, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उसको वर्चुअली इनॉग्रेट करेंगे। माननीय CM साहब और माननीय प्रभारी मंत्री DC साहब यहां रीवा एयरपोर्ट से कार्यक्रम को ज्वाइन करेंगे। इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से रहेगी कि इसमें चूंकि रीवा में आने वाले 2-3 दिनों में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव भी प्लान की गई है, तो रीवा के उद्यमियों से और रीवा संभाग के अन्य जिलों के उद्यमियों से माननीय CM साहब 1 घंटा पहले चर्चा भी करेंगे ताकि जो RIC होनी है उसमें उसको लेकर के प्रिपेयर्डनेस हो या अन्य कोई विषय हो जो उद्यमियों की, वो संज्ञान में आ जाए। इसके अलावा अपना फिर कार्यक्रम मुख्य रहेगा। उस मुख्य कार्यक्रम में जो माननीय PM साहब का जो वर्चुअल आगमन होगा उसके बाद में रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा और रीवा से भोपाल की जो फ्लाइट है, जो फ्लाईबिग कंपनी है जिसको ये काम दिया गया है, वो अपना एक रीवा से भोपाल की फ्लाइट को भी फ्लैग ऑफ कराएंगे। रीवा से लेखराज मोटवानी की रिपोर्ट।